मिल जाती है। तो इसलिए करके इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि जो भी ऑक्यूपेशन लिस्ट आपका है उसी ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपका स्पाउस आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इजी हो जाता है। लेकिन दूसरे ओके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी ऑक्यूपेशन में उनको बुलाएं और अगर वो उस ऑक्यूपेशन में नहीं है तो वो नहीं जा सकते। वो जा सकते हैं, बस ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो है चार्जेस होते हैं, वीज़ा चार्जेस होते हैं, जैसे कि अप्लाई करने के टाइम वीज़ा फीस होती है, एम्बेसी फीस होती है, वो सारा यू कैन डिस्कस मी, आई विल, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चाहे तो आपको कैसे जो अप्लाई करते हैं, अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड फॉर अप्लाई फॉर योर स्पाउस वीज़ा, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी ऑन माई ऑन नंबर और यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई व्हाट्सअप। सो आई होप यू विल डू लाइक दिस। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस न्यूजीलैंड स्पाउस वीजा और अनदर कंट्री वीजा, यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल मी ऑन माई ओन नंबर और यू कैन व्हाट्सअप मी। आई विल गाइड यू फुल जेन्युइन एंड लीगल वे। इफ यू डिडेंट सब्सक्राइब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड द बेनिफिट ऑफ सब्सक्राइब द चैनल आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, देन डेट वेन आई अपलोड डेली न्यू वीडियोज डेट वीडियो विल रीच यू ऑटोमेटिकली एंड यू विल गेट ऑल माई इन्फॉर्मेटिव वीडियो विच आई अपलोड डेली। सो आई होप यू विल डू लाइक दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फायदा मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वाली जो है वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो आप तक जो है ईजी वे में मिल जाएंगे और आपको उसका काफ़ी फायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चले और दूसरे लोग भी अगर जो है न्यूजीलैंड में हैं या नहीं भी हैं या उनको जो है कोई उनके रिलेटिव्स हैं तो उनके बारे में पता चल जाए और वो आज ही जो है इस चीज़ को अप्लाई कर सके। और अप्लाई कैसे करते हैं उसमें मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं जो हूँ आपको बता दूंगा कैसे जो है उसको अप्लाई करते हैं। ये आपके पास लेकिन रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, ये अगर आपके पास हैं, क्योंकि इसमें आइल्स का भी आपको देखना है, 5.5 से लेकर 6 बैंड आपके जो हैं होने चाहिए आपके स्पाउस के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, आई विल मेक अनदर वीडियो आल्सो। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम मोबाइल पीसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माई व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर बिकॉज यू ऑलवेज कमेंट, यू ऑलवेज शेयर वीडियोज, यू ऑलवेज सब्सक्राइब चैनल, डेट्स वाई चैनल इंक्रीजिंग डे बाई डेज। सो टूडे इज माई सब्जेक्ट रिगार्डिंग न्यूजीलैंड स्पाउस वीजा। इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग योर स्पाउस टू योर न्यूजीलैंड, सो दिस वीडियो विल बी हेल्प फॉर यू। सो हाउ यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस एंड व्हाट्स द रिक्वायरमेंट फॉर योर स्पाउस टू ब्रिंग योर टू न्यूजीलैंड। सो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो न्यूजीलैंड की जो है स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड है। अगर आप जो है न्यूजीलैंड में जो है रहते हैं तो, और अगर आप अपने जो है पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, वाइफ हो अगर आप वहाँ पर हैं तो अपने हस्बैंड को वाइफ हैं, या तो अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को कैसे जो है वहाँ पर बुला सकते हैं और उसका क्या क्या जो है प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने जो है पहले आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया का, बताया था आपको, बताया था कि जो है कनाडा में कैसे जो है बुला सकते हैं, ऐसे आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। तो न्यूजीलैंड के अलग रूल हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग रूल हैं और कनाडा के और यूएसए के अलग रूल हैं। तो उनके रूल के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो इसमें मैंने जो है पूरा डिटेल में जो है आपको बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि न्यूजीलैंड में अगर आप जो है स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने जो है क्या है अपने जो उसको अपने स्पाउस को बुला सकते हैं और उसको बुला करके अपने साथ जो है रख सकते हैं, और आप जितने दिन आपकी स्टडी होगी उतने दिन आप उसको जो है वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ एक बात बता दूंगा, जैसे कनाडा में जो है अपने स्पाउस को आप बुला लेते हैं तो वहाँ पर जैसे वो काम भी कर सकता है, उसको ओपन परमिट मिल जाता है। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड में जो है आपके स्टडी के साथ ही वो वहाँ पर रहेगा। तो उसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आइल्स उसका होना चाहिए, आइल्स जितने जो है उसके बैंड है 5.5 से लेके 6 बैंड उसकी जो है होनी चाहिए। या तो आप उसी इंस्टीट्यूट में बुला लें जिस इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं, या दूसरे में आप अगर उनको स्टडी वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं स्टडी पर बुला सकते हैं, और वर्क के लिए अगर बुलाना चाहते हैं तो, अगर वर्क के लिए आप बुलाना चाह रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि उसके जो है उसका ऑक्यूपेशन जो है न्यूजीलैंड की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आना चाहिए। वो मैं आपको वेबसाइट पर ले जा करके दिखा दूंगा कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है लिस्ट में वहाँ पर होते हैं। उस ऑक्यूपेशन में अगर आपका ऑक्यूपेशन आता है तो आप जो है क्या है उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में अप्लाई करवा के अपने जो स्पाउस हैं तो उनको वहाँ पर बुला सकते हैं। लेकिन उसमें सैलरी का जो है एक
मैटर है, सैलरी आपकी जो है एक लिमिटेड है, वो उतनी उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे बिलो नहीं होनी चाहिए आपकी सैलरी। तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना, आई विल गाइड यू कि कितनी जो है उसका कैसे जो वेबसाइट पर चेक करते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे जो है कौन कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्ट उसमें जो है आती हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि अगर आपने अपने स्पाउस को बुला लिया है और बच्चे आपके साथ हाथों हाथ नहीं जाएंगे, बच्चे जो हैं कुछ दिन बाद मतलब वेट करने के बाद दोबारा जब उनका अप्लाई होता है तब जो है वहाँ जा पाते हैं, यानी उसमें 6 मंथ लग जाते हैं। और वो बच्चे जो हैं बाद में जो आपके चिल्ड्रन भी अगर हैं तो स्पाउस पहले आ जाएगा, बच्चे को जो है बाद में जो है वो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के रूल मैं बता दूंगा, न्यूजीलैंड के जो हैं डिफर हैं कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले जो है थोड़े हार्ड हैं यहाँ के रूल। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर चिल्ड्रन जैसे कि कनाडा में जो है बच्चे भी साथ में ही जो उसी दौरान जो है जा सकते हैं आपके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको जो आपके चिल्ड्रन होंगे वो सब जो है क्या होंगे, वो 6 मंथ के बाद जो है आपके साथ मूव होंगे, ठीक है। और इसमें मैं बता दूंगा कि इसमें जो मतलब ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें अगर आप ऑक्यूपेशन आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और बहुत इजी से आपके स्पाउस को जो है वो वीज़ा जो है मिल जाती है। और आप भी अगर आप वहाँ पर जो है जॉब कर रहे हैं या जो है आप जो है स्टडी कर रहे हैं तो आपकी भी जो है क्या है वहाँ पर एक सैलरी का उन्होंने जो है एक ऑक्यूपेशन का बनाया हुआ है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन की वहाँ डिमांड है। तो उस ऑक्यूपेशन में अगर आप हैं तो आपको बहुत इजी वे में जो है आपको वीज़ा मिल जाएगा, यानी आप उसी ऑक्यूपेशन में और उसी ऑक्यूपेशन में अपने जो है